वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, क्या इन महिलाओं को राहुल जी एक वह कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल के भाषण में भी आपने सुना कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ लक्षण सिखाता है। क्या है जो हमारी जो हिंदू धर्म है वो सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए, वो इस पथ पर चल नहीं रहे हैं, वो धार्मिकता और सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर तो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके सामने रोज आकर झूठ ही बोलते हैं। तो राहुल जी कहते हैं इनमें फर्क देखिए असली धर्म क्या है, वह समझाना चाह रहे हैं। महिलाएं घरों में पूजा पाठ करती है तो उनको पता होना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क क्या है। दिल में सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है। कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। एक महीना पहले क्यों नहीं, अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक महीना पहले क्यों नहीं, अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा।